दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लैंटस इंसुलिन पर डायबिटीज कंट्रोल कैसे करें। तो हमारे सामने एक पेशेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने आज से 4 महीने पहले लैंटस स्टार्ट किया 12 मिनट पर डे से। उस समय उनका खाली पेट 300 हुआ करता था, खाने के बाद 450 था। 4 महीने बाद भी खाली पेट करीब 170 है, खाने के बाद करीब 300 है। तो शुगर पहले सुधरा है लेकिन नॉर्मल नहीं आया है, ऐसा क्यों? तो देखो क्या होता है कि लैंटस इंसुलिन जो है एक ऐसी इंसुलिन है जो अकेले करीब अराउंड 30 घंटे काम करती है। ये वन टाइम इंजेक्ट किया जाता है दिन में किसी भी टाइम, सुबह शाम सोते समय जब भी कोई आप टाइम फिक्स कर लीजिए उस समय आपको ये इंजेक्ट करना है। ये 24 आवर काम करती है। नॉर्मली ये इंजेक्ट करने के बाद ब्लड में जाती करीब 1 घंटे बाद, इसका असर शुरू होता 2 घंटे बाद। अब जान लो इंजेक्ट करने के बाद 2 घंटे बाद लैंटस काम करना शुरू करती है। इसलिए इस इंसुलिन को आप खाने के पहले, खाने के बाद या सोते समय भी लगा सकते हैं। और उसके बाद देखो इंजेक्ट होने के बाद जैसे इस वीडियो में फोटो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपने ये इंजेक्ट किया यहाँ पर 0 मिनट पे, करीब 1.5 घंटे बाद 1 घंटे ब्लड एंटर की और रियल लेवल आया आपका ये करीब 2 घंटे बाद लेवल आ गया। और फिर पूरे कम से कम ये काम करती है 32 घंटे। इसलिए वन टाइम इंसुलिन पूरे 24 घंटे काम करती है। बट दुर्भाग्य क्या है कि इसके अंदर जो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं उसके सडनली ब्लड शुगर बढ़ता है, फिर 2.5-3 मिनट में कम आ जाता है। तो इसके अंदर कोई पीक नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है आप एक दूसरी इंसुलिन आती है जिसमें 2 इंसुलिन मिक्स होती है, ये वाला देखें जो अदर इंसुलिन होती है लाइक मिक्सटार्ट, नो मिक्स, राइजोडेक, उसमें 2 इंसुलिन मिक्स होता है। 30% होता है जो इमीडिएट एक्टिंग, लगाया इमीडिएट इंसुलिन रिलीज होकर पीक इंसुलिन मिला विद इन 2 आवर मैक्सिमम इंसुलिन मिला, बाकी 70% लॉन्ग टाइम 24 घंटे काम करते हैं। तो ये इंसुलिन क्या होता है कि जिसका नाश्ते के बाद शुगर ज़्यादा है या लंच डिनर के बाद शुगर ज़्यादा है उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा काम करे। क्योंकि क्या होता है लैंटस क्या होता है, चूँकि लैंटस कोई पीक नहीं है, मतलब कि खाने के बाद जो इंसुलिन लगाया आपने तो कोई पीक इंसुलिन लेवल नहीं आ रहा, तो इसमें लैंटस जो है खाली पेट कंट्रोल अच्छा करता है और डिनर पहले शुगर अच्छा कंट्रोल करता है, लंच के पहले अच्छा कंट्रोल करता है। बट अक्सर देखा है कुछ लोगों के अंदर नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद शुगर थोड़ा बढ़ के आता है। तो अगर आप लैंटस ले रहे हो और शुगर आप खाली पेट 90 आ रहा, 100 आ रहा, तो आप खाने के बाद देखिए कंट्रोल कैसे आ रहा। और खाने के बाद ठीक चला तो लैंटस ओके आपका, बट अगर खाली पेट अच्छा आ रहा बट नाश्ता लंच डिनर में बढ़ के आ रहा है, इसका मतलब कि आप ये पीपी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब सेकेंड जो इन्होंने गलती की, इंसुलिन डोज नहीं बढ़ाया। तो इंसुलिन डोज बढ़ाना बहुत जरूरी है, जान लीजिए हर व्यक्ति के अंदर, आप सब जान लो हम इंसुलिन तभी स्टार्ट करते हैं जब गोलियाँ काम करना बंद कर देती हैं। अगर गोली काम करती तो हम इंसुलिन क्यों डॉक्टर स्टार्ट करता? तो अगर गोली काम नहीं करी आपके अंदर तो अधिकांश लोग के अंदर 0.5 यूनिट पर केजी पर डे मिनिमम डोज होती है, मिनिमम जो दुबले पतले लोग के लिए, बट मिनिमम बट एवरेज डोज आती है करीब 1 यूनिट 0.8 यूनिट लेकर के अराउंड 1.5 यूनिट तक। 100 में से 80% लोग की डोज होती है हर किलोवेट पर 1 यूनिट, जितना वेट उतना इंसुलिन। और कोई मरीज मोटा है, किसी की स्ट्रेस है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, किसी कोई इन्फेक्शन है, कोई बहुत ज़्यादा खा रहा, तो उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उनमें हर किलोवेट पर अप टू 1.5 यूनिट जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप यहाँ पर तो एवरेज मैन होता है करीब 70 किलो का, तो 70 किलो आदमी का मिनिमम रिक्वायरमेंट आएगा 35 यूनिट, 0.5 जोड़ कर लो, एवरेज रिक्वायरमेंट 70 यूनिट और मैक्सिमम 105 यूनिट अगर कोई और गोली नहीं खा रहा तो। ये बात है और कोई और गोली खा रहा तो गोली थोड़ा इंसुलिन बनाएगी, इसलिए इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसे जब भी डायबिटीज वाले मरीज होते हैं नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 0.2 यूनिट पर किलो से इंसुलिन स्टार्ट करते हैं।
अगर 17 किलो आदमी है तो 12-14 से स्टार्ट करेंगे, 14-15-20 से ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, अगर उसके अंदर मोटा है कोई स्ट्रेस इन्फेक्शन तो 20 से स्टार्ट करेंगे, डिपेंडिंग क्या पोजिशन है। उसके बाद आपको हर एक दिन छोड़कर ब्लड शुगर खाली पेट चेक करना है। अगर खाली पेट शुगर 120 से 140 है तो एक बढ़ा लीजिए, एक यूनिट बढ़ाइए, 140 से 60 है दो बढ़ा लीजिए, 160 से 180 है तीन बढ़ा लीजिए, 180 से 220 है चार बढ़ा लीजिए, मोर देन 220 आए पाँच बढ़ा लीजिए। अब हर एक दिन छोड़कर शुगर चेक करिए खाली पेट और इंसुलिन बढ़ाते रहिए। जब शुगर 100 आपको विद इन 10 दिन अंदर आप 4-5 मिनट बढ़ाते जाओगे, विद इन 10 डेज शुगर आपका 120 आ जाएगा। जब 120 आ गया शुगर तो आप शुगर कंट्रोल काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं। हमारा टारगेट ब्लड शुगर होता है 110 का, 105 का, जितना कम शुगर रखेंगे उतना फ़ायदा है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक बढ़ाकर और आप 110 ले आइए। जब खाली पेट 110 से नीचे आ जाए तब नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद बारी बारी चेक करिए कि उस समय कंट्रोल कैसा है। तो अधिकांश लोगों का डायबिटिक कंट्रोल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इंसुलिन डोज नहीं बढ़ाते हैं। बाकी और गलतियां हमने, हमारा दूसरा वीडियो है इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक, उसको भी देखे समझे कि और क्या गलतियां होती हैं। फिर डाइट के बारे में भी गलतियां होती हैं, ये सब बात है। आज आपको बताया कि डोज का क्या है, तो डोज आप धीरे बढ़ाइए, शुगर विद इन 10 डेज आपका नॉर्मल आ जाएगा। अगर कभी खाली पेट आपका 90 कम आ जाए तो ऐसे शुगर लोग चांस हो जाता है, तो एक यूनिट घटा लीजिए। कभी आप मान लो गलती इंसुलिन मिस भी कर गए, लेट भी हुआ, देर हो गया, जब भी लैंटर बड़ा अच्छा है कभी ले सकते हैं आप, दो चार घंटे आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगी कि लैंटस डोज कैसे एडजस्ट करना है और कैसे डायबिटीज कंट्रोल करना है। और वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।